जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ डज दिस हॉस्टल लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क भी है। ये टैंक फुल कर दीजिए और लेवल 1 पे रखना, ठीक है। हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप पर। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सामान पैक हो चुका है। एक ही वाला बैग है मेरे पास, ये और ये वाला बैग और ये वाला बैग, 1 2 3 4 बैग्स, 4 bags. सो माई टारगेट इज दैट आई गोइंग टू लीव अराउंड 6:30 फ्रॉम हियर। तो जल्दी से मुँह हाथ धो लेते हैं। अभी 7 बज चुके हैं, हम लोग आधा घंटा लेट चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट पहुंच जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चली हुई होगी कि मैं अपनी साइकिल लेके जा रहा हूँ साथ में। सो मैंने साइकिल भी रख ली और गाड़ी भी वॉश कर दी है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद आई एम गोइंग टू लीव। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सी यू। तो इट्स 7:20 राइट नाउ। हम लोग बस निकलने वाले हैं। मुझे सबसे पहले तो डीजल डलवाना है, तो डीजल नहीं है इसके अंदर। ये टैंक फुल कर दीजिए और लेवल 1 पे रखना, ठीक है। तो अभी 7:30 हो चुके हैं और हम लोग डीजल डलवा रहे हैं अभी यहाँ पे। फिर यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ेंगे और देखते कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में। लेट्स सी। सो हम लोगों ने डीजल डलवा लिया है और अब हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप पर। तो हमारा पहला स्टॉप होने वाला है ऋषिकेश, फिर उसके बाद देहरादून, एंड देहरादून से मैं जाऊंगा मसूरी एंड देन बैक टू दिल्ली। सो दिस इज द प्लान। हाँ, एक और चीज़, मैंने अभी 3180 का डीजल डलवाया है। व्हाई एम आई टेलिंग दिस? बिकॉज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, मैंने 3180 का डीजल डलवाया। पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं एक स्लिप लगा दूंगा बीच में। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ये ट्रिप 3000 रुपए के डीजल में कर सकता हूँ पूरे या नहीं कर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू ड्राइव वेरी इकोनॉमिकल, मुझे कोई जल्दी नहीं है जाने की कहीं पर भी। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि पूरे ट्रिप में, ये पूरे 3 दिन में मैं कितना डीजल यूज कर सकता हूँ, और एकोमोडेशन वगैरह वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन अ वे कि मैं अपना बजट भी कंट्रोल कर सकूँ, ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करूँ। बिकॉज आई थिंक कि ये आप लोगों को भी हेल्प करेगा कि बिकॉज आई थिंक ये आपको भी हेल्प कर सकता है प्लान करने में अपनी ट्रिप इन अ वे दैट यू कैन सेव मनी ऑल्सो। सो लेट्स सी कितना लगता है अभी। अभी तो टैंक फुल है, पहुँचने में कितना लगता है और फिर वहाँ पर मुझे लोकल घूमने में भी कितना लगेगा, ये भी हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है गाइज, आई एम गोइंग टू सी यू इन सम टाइम नाउ। गाइज, यहाँ पे रास्ता इतना खूबसूरत है ना, मतलब मज़ा ही आ गया। ऑलराइट, सो वी आर अबाउट टू रीच नाउ, जोस्टल पहुँचने वाले हैं। ये रहा जोस्टल का बोर्ड, अब देखना है कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। गाड़ी बाहर ही पार्क होगी क्या या अंदर जा सकती है? हाँ,
दिस इज Zostel's पार्किंग एंड वी आर गोइंग टू पार्क आवर कार हियर. इसी में रहने देते हैं. Alright, so this, what's your name, sir? Sumit. Sumit. Guys, meet Sumit bhai. Hello. How are you? Awesome, bro. How are you? All good. चलो ठीक है, आप लोगों को अपना रूम दिखाएंगे जो मैंने डॉर्म बुक किया था. आई एम गोइंग टू शो यू दैट डॉर्म राइट नाउ एंड पहले मैं चेक इन कर लेता हूँ, उसके बाद विल वॉक अप दिस. Alright, hi guys. So right now we are going to do a quick walk around. I'm just going to show you how does this hostel look like from inside. क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क हुई भी है. पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे. यू कैन सी हाउ मेनी कार्स हैव बीन पार्क्ड ओवर हियर. सो इफ यू प्लानिंग अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स, यू कैन ब्रिंग योर कार्स विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज एक मिनट रुक जाते हैं यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी. हाँ, तो मैं बता रहा था कि पार्किंग की कोई कमी नहीं है. यू कैन पार्क योर बाइक्स, यू कैन पार्क योर कार्स ओवर हियर बहुत आसानी से. वी गॉट मेनी फ्लोर्स एंड ऊपर टेरेस भी है. On the lights. Right, so this is my dorm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 लोग की ऑक्यूपेंसी है. राइट, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा गंदा मेरा ही है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन केप्ट लाइक दिस. नाइस एरिया. You've got your library as well. If you want to read some books, you can read some books. यहाँ पे भी है. You've got some shelves. Like a nice cozy place to sit and work. Just look at the view. Nice, huh? Cool. That's how it actually looks. If you want to play some games, you can play some games also. Nice. Hi. Hello. What's your name? Anuj. Anuj, how long have you been here? About a week now. Wow, must be enjoying, right? Very peaceful. Very nice, very nice. This is another area. I think वो एक छोटी टेरेस थी. यहाँ पे we've got another area. This is also a part of this restaurant only. Quite peaceful. ऑलराइट, सो रात के 11 बजने वाले हैं एंड लाइफ काफ़ी हैपनिंग है बिकॉज वीकेंड भी है, तो इसलिए अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे. वो है Zostel's, दिस इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स. हालत बहुत टाइट हो चुकी है अभी, बस जाके बस बिस्तर पे लेटना है, सो जाएंगे बस जाते हैं. वी गॉट नथिंग एल्स टू डू.